नमस्कार, आप देख रहे हैं विक न्यूज़। मैं अमित भोबिया। चंद्रयान 2 के बारे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, खबर ऐसी जो आपके चेहरे पर खुशी ला देगी। कल जहां इसरो की तरफ से खबर सुनकर हमारी आंखें भर आई थीं, वहीं आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। जो विक्रम लैंडर कल अपना रास्ता भूल गया था, कहीं और चला गया था, आज वो हमें मिल गया है। लेकिन कैसी हालत में मिला है और कैसे मिला है, आज हम आपको बताएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल चंद्रयान 2 के साथ जो एक ऑर्बिटर गया था, वो चांद के चारों ओर चक्कर काट रहा है और उस ऑर्बिटर में लगे ऑप्टिकल हाई रेवोल्यूशन कैमरा OHRC ने विक्रम लैंडर की तस्वीरें ली हैं। पता चला है कि विक्रम लैंडर को जहां लैंडिंग करवाने की योजना थी, वो उससे 500 मीटर दूर उतर गया है और अपना रास्ता भटक गया था। लेकिन दोस्तों, अब इसरो चीफ के सिवन ने एक चैनल से बातचीत करते हुए बताया है कि विक्रम लैंडर हमें मिल गया है, हमारे वैज्ञानिकों ने उसे ढूंढ लिया है। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी हम विक्रम लैंडर को संदेश नहीं भेज पा रहे, उससे अभी तक कोई संचार स्थापित नहीं कर पा रहे। इसरो सेंटर से लगातार विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर को संदेश भेजा जा रहा है ताकि कम्युनिकेशन शुरू हो सके। दोस्तों, अगर कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है तो भारत अपने हर सपने को साकार कर सकता है। इसरो के वैज्ञानिक कल से लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से जुड़ा जा सके। भविष्य में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कितना काम करेंगे, इसका पता तो डेटा एनालिसिस के बाद ही चलेगा। वैसे ऑर्बिटर अपना काम पूरे अच्छे तरीके से कर रहा है। ऑर्बिटर में लगे ऑप्टिकल हाई रेवोल्यूशन कैमरा से विक्रम लैंडर की जो तस्वीरें ली गई हैं, वो चांद की सतह से ली गई हैं। ये कैमरा चांद की सतह से 1.08 फीट तक की ऊंचाई वाली किसी भी चीज़ का स्पष्ट तस्वीर ले सकता है। ऑर्बिटर ने जो तस्वीरें ली हैं, उन्हीं से पता चला है कि विक्रम लैंडर को जहां लैंडिंग करवानी थी, उससे वो 500 मीटर दूर उतर गया है। दोस्तों, आप भगवान से दुआ कीजिए कि जल्द विक्रम लैंडर का कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन हो जाए ताकि हमारा चंद्रयान मिशन 2 सफल हो सके। इस खुशखबरी को सुनकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए VK न्यूज़।